पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यह खबर सुनकर खुशी से झूम उठे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। क्रिकेट अब तूफानी हो गया है। दुनिया भर की T20 लीग ने इस खेल को न सिर्फ रंगीन बना दिया है बल्कि दिलचस्प और फास्ट कर दिया है। जैसे भारत में IPL है, ऑस्ट्रेलिया में BBL और वेस्ट इंडीज में CPL, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की अपनी T20 लीग है PSL। लेकिन PSL के बाद पाकिस्तान अब अपनी एक और T20 लीग शुरू करने जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान क्रिकेट में क्रांतिकारी बदलाव लाने की पूरी तैयारी कर रहा है, जिससे वह बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ियों की नई फौज खड़ी कर पाए। पाकिस्तान में शुरू होने वाली नई लीग का नाम है PJL यानी पाकिस्तान जूनियर लीग। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, यह लीग जूनियर खिलाड़ियों की होगी। पाकिस्तान क्रिकेट की नई लीग को PSL की तर्ज पर शुरू करने का प्लान तैयार है, जिसे रमेश राजा का आइडिया बताया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से जारी बयान के मुताबिक PJL का पहला आयोजन इस साल अक्टूबर में होगा। ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जो कि साल में एक बार होगा, और ये PCB के बैनर तले खेला जाएगा। मतलब पाकिस्तान का क्रिकेट का मजा अब डबल होने जा रहा है, क्योंकि इधर PSL के खत्म होते ही उधर PJL शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमेश राजा ने PJL शुरू करने के फैसले के बारे में बताते हुए कहा है कि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। इस लीग को शुरू करने के पीछे उनका मकसद देश में क्रिकेट को नए स्तर पर ले जाना तो है ही, इसके अलावा हुनरमंद खिलाड़ियों को परखना भी होगा। PJL काबिल क्रिकेटरों को आगे बढ़ाने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म देगा, जिससे वो भविष्य में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की तरह नाम कमा सके। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।